हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएससी ग्राफिक चैनल। एंड दोस्तों, आज जो हम एडवर्टाइजमेंट का जो बैनर डिज़ाइन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे मैंने यहाँ पे दो वॉचेस ले रखी है, हैंड वॉच। एंड यहाँ पे जो मैं इनका कलर जो पिक करता हूँ, सबसे पहले लाइट कलर को पिक करता हूँ। इसमें जो ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, इंटरेक्टिव फिल टूल इसमें यूज़ करेंगे। ओके, वाइट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो फिर से आई ड्रॉपर एंड कलर पिक करेंगे डार्क वाला, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब जो इसी को नीचे ड्रैग करेंगे, इसकी जो कॉपी करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इसका कलर हटा देंगे। ओके, नाउ इसको पावर क्लिक कर देंगे इनसाइड, ठीक है। ओके, एडिट पावर क्लिक में जाएंगे, इसको छोटा कर देंगे, इसको रोटेट कर लेंगे एंड इसको साइड में जो कर लेंगे यहाँ पे इतना, ठीक है। ओके, पावर क्लिक के बाहर आएंगे एंड दोबारा से पिक टूल लेते हैं एंड यहाँ इस वाली वाच का जो है ये कलर हम पिक कर लेंगे, ठीक है। अब इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कलर तो पिक हो गया है, कलर पैलेट में कलर आ गया। इसको जो है हम ये कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने पिक किया था। ओके, इसके आउटलाइन हटा दीजिए। आउटलाइन हटा देने के बाद इसकी जो है एक और कॉपी कर लीजिए। अगर आपको प्रेफर नहीं लगे तो आप दूसरे को जो हटा सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना हो गया। इसके बाद हम दोनों वॉचेस को जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। दोनों वॉचेस को यहाँ पर ले आएंगे तो जो हमें एक जो है वॉच को यहाँ पर रखना है, तो जो हमें ज़्यादा प्रीफेयर लगेगी हम उसको जो यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैंने दोनों रख दिए। ओके, इसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो है, ओके, लाइन लेते हैं, लाइन जो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके आउटलाइन को जो है बढ़ा देंगे हम, ठीक है, आउटलाइन को बढ़ा देंगे इस तरीके से। एंड इसको जो है 4-5 जितना आपको रखना उतना रख लीजिए। सेम वही कलर इसमें यूज़ कर लीजिए। नीचे से ड्रैग कीजिए, इसकी एक और कॉपी कर लीजिए, इसको जो है कंट्रोल पेज डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड दोनों को जो है पावर क्लिप कर लीजिए, ठीक है। ओके, एडिट इसके बाद जो है एडिट पावर क्लिप में जाइए या इस इमेज को एक को जो है आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। जो आपको डिलीट करनी है वो डिलीट कर दीजिए या आप दोनों रख सकते हैं, ठीक है। कुछ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ एडिट पावर क्लिप में जाते हैं हम एंड अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसकी कॉपी करके यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पर इनको रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, नाउ अब इस गुड हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अभी इतना ही रखते हैं। अब जो हमने जो टेक्स्ट लगा, पहले उसको जो है इसके जो टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा लगा देते हैं, बाकी जो डिजाइनिंग होगी वो बाद में करेंगे, ठीक है। अभी जो हमने इसे टेक्स्ट लगा, इसका जो फॉन्ट चेंज करते हैं, तो फॉन्ट आप अपने तरीके से जो भी आपको प्रीफियर लगे वो फॉन्ट जो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ओके, मैं फ़िलहाल कोई भी नॉर्मल फॉन्ट लेता हूँ अभी, तो ये फोन ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। हल्का सा बड़ा करते हैं अभी के लिए, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, नीचे ले आते हैं। यहाँ पे इसको कलर कोई दूसरा कलर आप दे सकते हैं, देखते हैं कौन सा कलर इसमें प्रीफर होता है। ओके, ये कलर भी नहीं है, ये भी ज़्यादा बेटर नहीं है, नहीं, देखते हैं। ब्लूइश पे वाइट का आउटलाइन दे सकते हैं हम, तो थोड़ा सा लुक इसकी आ सकती है। बाकी आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ नहीं, मुझे कलर इसका चेंज करना पड़ेगा, येलोइश इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। ओके, इसी को रखते हैं ना। अभी इसको ऊपर ले आएंगे, वॉच, स्मार्ट वॉच। ओके, इसका आप इसको अपर केस में रहने दीजिए, चेंज कर सकते हैं देखने के लिए, नहीं अपर केस में सही है, कंट्रोल जेड कर लीजिए। ओके, इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ और कोई दूसरा नॉर्मल सा फ़ॉन्ट इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेट नहीं, ये भी नहीं, इसको यूज कर लेते हैं। ओके, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, नाउ अब इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करें, हम जो है इसमें जो है वाइट, इसमें आउटलाइन जो है, इसमें जो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, हल्का सा जो है रेक्टेंगल ले लीजिए। ओके, इस पर वाइट कलर आप यूज़ कर लीजिए एंड इसका आउटलाइन को हटा लीजिए, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करके सी प्रेस कर लीजिए, इसके सेंटर आ जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब जो इतना हो गया, अभी के लिए इतना बहुत है। अब जो यहाँ पे क्या करना है, हमने सर्कल ड्रॉ करना है छोटा सा एक, ठीक है। इसमें वाइट कलर यूज़ कर लीजिए एंड इसके आउटलाइन को ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ इसके हल्का छोटा कर लीजिए। अब जो कंट्रोल के साथ इसको आगे की तरफ ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल साइड ड्रैग कीजिए, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब कंट्रोल आर प्रेस करिए, रिपीट हो जाएगा। ओके,
नाउ इनको सेलेक्ट कीजिए, इनको जो नीचे की तरफ एक और कॉपी करके कंट्रोल आर प्रेस कर लीजिए, ठीक है, तो ये भी रिपीट हो जाएगा। ओके नाउ इट्स गुड, इतना हो गया। ओके इसकी जो है कॉपी कर लीजिए, हल्का सा इसको रोटेट कर लीजिए, जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है वहाँ पे जो इसको रख लीजिए। ओके इसमें ट्रांसपेरेंसी यूज़ करते हैं 50%, अभी के लिए 50% रखते हैं, बाद में आप अपनी तरफ से इसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको प्रीफर लगे, ठीक है। ओके नाउ अभी इतना हो गया, इनको जो है दोबारा यहाँ पे रखते हैं, इसको कंट्रोल पेज डाउन करेंगे। ओके इसको बड़ा कर सकते हैं, ऊपर की तरफ इसको रखेंगे, इसको जो है रोटेट कर लेते हैं। ओके अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए यहाँ तक। ओके इसको ऊपर अंदर कर लीजिए, कंट्रोल पेज डाउन, एंड इनको जो है पावर क्लिप कर लीजिए, ठीक है, इनसाइड पावर क्लिप कर लीजिए यहाँ पे। ओके नाउ इसको सेलेक्ट कीजिए, एड पावर क्लिप में जाइए। ओके नहीं इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको जो है बड़ा कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक इसको जो इसको भी जो है पावर क्लिप कर लीजिए यहाँ पे। ओके अब एडिट पावर क्लिप में जाइए, सॉरी इसको जो बड़ा इसको भी जो है यूनिफॉर्म कर लीजिए, और थोड़ा सा इसकी आउट इसकी जो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा लीजिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा लीजिए, इसको जो नीचे अंडर इसके कर लीजिए कंट्रोल पेज डाउन वाला। ओके अब हम एडिट पावर क्लिप में जा सकते हैं, तो हल्का सा छोटा कर लेते हैं। ओके नाउ अब जो अंदर के जो हमने जो सर्कल ले रखे हैं, जो अंदर हमने पावर क्लिप किया, इनके ट्रांसपेरेंसी को क्या करेंगे कम कर देते हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, एंड इसको यहाँ से। ओके नाउ इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लीजिए यहाँ पे, नाउ इट्स गुड। ओके नाउ अब जो यहाँ पे इलिप्सिस ले लेते हैं, दोबारा से सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इसको जो है छोटा कर सकते हैं, इसको छोटा कर लीजिए, एंड इसको जो है घड़ी का जो हैंड क्राफ्ट है उसके नीचे ले आए इसको, ठीक है, एंड इसको जो है पावर क्लिप कर लीजिए, तो एडिट पावर क्लिप में जाए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, एडिट पावर क्लिप में जाते हैं, एंड इसको जो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक। ओके यहाँ तक बेटर है, बाहर आ जाइए। ओके नाउ लुक गुड, इसकी अच्छी लुक आ गई है, फिर से एडिट में जाते हैं, एंड इसकी जो कॉपी करके इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको सही लगे वहाँ पे जो एडजस्ट कर लीजिए, नहीं यहाँ पे सही नहीं लग रहा, दोबारा से एडिट पावर क्लिप में जाते हैं, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं, देखिए। ओके नाउ यहाँ पे अच्छा आ गया इसका लुक लाइक। ओके अब जो हमने यहाँ पे नीचे टाइप किया इसको जो है ऊपर ले आते हैं। ओके अब इसके क्या करें, हम यहाँ पे जो है नीचे वाले को क्या करेंगे अपर केस में करेंगे, एंड ऊपर वाले को लोअर केस में कर देते हैं, इसको जो है लोअर केस में रखेंगे। ओके वाइट कलर इसमें यूज़ कर लीजिए छोटा करके, इसमें सॉरी फॉन्ट इसका चेंज करते हैं, इसमें कोई दूसरा सा फॉन्ट यूज़ करेंगे हम, ये फॉन्ट मुझे ज़्यादा प्रिफेयर लग रहा। ओके नाउ इसको जो है वाइट कलर इसमें यूज़ करते हैं, एंड इसको बोल्ड कर लीजिए यहाँ पे, इसको रख लेते हैं आगे की साइड में। ओके इस लाइन को नीचे ड्रैग करके कॉपी कर लीजिए, एंड फिर से एक और कॉपी यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है, एंड इन दोनों को पकड़िए, दोनों को छोटा कर दीजिए, जितना हमने वर्ड लिखा है उतना ही इसको जो है इसकी लाइन की जो है हाइट रखें, ठीक है। ओके नाउ अब इतना हो गया, अब जो है इसको यहाँ पे रख लीजिए फिलहाल के लिए, इसको छोटा कर लीजिए एंड नीचे ड्रैग कर लीजिए, ठीक है, अभी इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम जो दोबारा से जो है सर्कल ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, एंड हमने जो नीचे टाइप किया है बाय नाउ, इसको यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, इसको एंटर मार के अलग कर लीजिए, एंड जो है इसको जो है अपर केस में कर लीजिए, ठीक है, अपर केस में कर लीजिए, एंड इसको बोल्ड कर लीजिए, एंड सर्कल को छोटा कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक। ओके सर्कल में कलर फिल कर लीजिए, नहीं इसमें रेड कलर अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको बोल्ड कर लीजिए, वाइट कलर इसमें यूज़ कर लीजिए, एंड सर्कल पे जो है हम जो है रेड कलर इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ओके नाउ गुड, ओके आउट एंड हटा दीजिए, एंड इसको जो है बाहर की तरफ ड्राई करके एक और कॉपी कर लीजिए, वाइट कलर इसमें यूज कर लीजिए, कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, सबको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जैसे ग्रुप कर लीजिए, एंड इसको जो है यहाँ पर हम रख लेते हैं। ओके तो गाइज हमारा ट्यूटोरियल लगभग पूरा हो गया है,
गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।